बीइंग एन अपकमिंग मॉडल एज वेल एज कीन सपोर्टर ऑफ कीरा, मिसा हमारे लाइट के बाद सेकंड कीरा बनी थी। डेथ नोट मिलने के बाद वह कीरा को ढूंढने लगती है ताकि वह उसे थैंक यू कह सके, क्योंकि वह एक ऐसा बंदा था जिसने मिसा के पेरेंट मर्डर को मारा था और इसके साथ ही साथ मिसा उस शख्स की मदद करना चाहती है। अब क्योंकि वो सिनिगामी की आंखों के साथ डील कर चुकी थी तो इसलिए उसे पता चल जाता है कि लाइट ही असली कीरा है। फिर बाद में लाइट से मिलने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी को लाइट के मदद में लगा देगी और वो भी लाइट जैसे चाहे वैसे। ऑकवर्ड है ना। एंड उन दोनों का अल्टीमेट गोल एल के रियल नाम को पता लगाना होता है। मिसा के मरने के एक्चुअल राज को ओपन करने से पहले अगर हम उसके बारे में थोड़ा जान और समझ ले तो उसके मौत के मिस्ट्री को अच्छे से रिवील कर पाएंगे। तो अगर उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो हाँ, मिसा एक शॉर्ट स्लेंडर यानी थोड़ी पतली ओवरऑल फिट और एक अट्रैक्टिव वुमन थी। साथ ही साथ उसके लॉन्ग एंड ब्लॉन्ड हेयर की वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी और शायद यही कारण था कि एल भी उसे पसंद करता था। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिला है अगर आपने एनमी को ध्यान से ऑब्जर्व किया है। इन एनमी जब वो अपने सिनिगामी आई का इस्तेमाल करती है तब उसकी आंखों का रंग रेड कलर में बदल जाता है और जिसकी वजह से वह लोगों की बची हुई उम्र और असल नाम को देख सकती थी। अगर हम इसकी पर्सनालिटी वाइज बात करें तो पूरे एनमी के दौरान मिसा एक तरीके से थोड़ी इम्पल्सिव एंड हाइपर एक्टिव होती है, मतलब किसी भी काम को करने में ओवर एक्टिव होना। और जब वो थर्ड पर्सन के रूप में बोलती थी तब वो एक चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी को दर्शाती थी। अब हो सकता है कि आप लोगों से काफी सारे लोग इस कैरेक्टर को पसंद नहीं करते हैं या फिर ऐसा पाया गया है कि डेथ नोट एनमी में ज्यादातर लोग इस कैरेक्टर को एक स्टूपिड नजरिए से देखते हैं, यानी मतलब उसे एक इडियट समझते हैं। बट इन ट्रूथ वो भी काफी स्मार्ट थी, लाइट और एल की तरह तो नहीं लेकिन हाँ वो स्मार्ट तो थी। अगर आपको याद है तब जब क्यूसुके हिजुकी डेथ नोट का ओनर था तब वो सबकी हत्या करता है और तब एल और लाइट एक साथ थे। आई मीन ऑफ कोर्स लाइट की अरदास तब चली गई थी और तब यह बंदा सबके लिए एक मुसीबत बन गया था। तब मिसा अमाने ने ही अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था और क्यूसुके हिगुची का असल नाम पता लगा पाई थी, जबकि वो जानती थी कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो मारी जा सकती है, लेकिन काफी चलाकी से उसने अपने काम को पूरा किया। अब क्योंकि उसके पास सिनिगामी की आंखें थी इसलिए वो किसी को भी बड़े आराम से मार सकती है। उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी भी यही थी, वह बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मार देती है और शायद इसी की वजह से एल को शक हो जाता है और वह जेल में कैद हो जाती है और शायद यही कारण है कि लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। खैर, मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ बता दिया है तो अब आप डिसाइड करो कि क्या आप इसे स्टूपिड मानते हो या फिर इंटेलिजेंट। तब तक चलो बात करते हैं कि क्या सच में मिसा अंत में सुसाइड कर लेती है या फिर बात कुछ और है। तो जब अंत में र्यूक लाइट का नाम डेथ नोट पर लिख देता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो हार्ट अटैक से मर जाता है। तभी हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है कि मिसा हमारे एक बिल्डिंग के ब्रिज पर खड़ी होती है और शायद वो वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। बट वेट, क्या हमने उसे कूदते हुए देखा? नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया कि हो सकता है लाइट के मरने के बाद वो भी अपनी जान कुर्बान कर दी हो। तो क्या ये सच है या वो नहीं मरी? तो इसके लिए चलते हैं एनमी अडॉप्टेशन के ओरिजिनल स्टोरी पर, यानी इसके मांगा अडॉप्टेशन पर। अब देखो यार, सबसे पहले मांगा में ही स्टोरी को लाया गया था, उसके बाद इसे अदर अडॉप्टेशन में की गई है। तो अगर इसमें मिसा मरी है तब हम मान लेंगे कि मिसा अमाने की मृत्यु सच में हो गई है। तो अगर मांगा की बात करें तो शायद आपको सुनकर ये झटका लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि लाइट की मृत्यु 28 जनवरी 2010 को हुई थी और वहीं पर मिसा अमाने की मृत्यु 14 फरवरी 2011 को हुई थी, यानी अप्रोक्स एक साल बाद अप्रोक्स माना है उसके बाद मिसा की मृत्यु होती है। अब इसका कारण क्या है तो वो तो मुझे पता नहीं, या फिर हो सकता है कि उसे लाइट की मौत एक साल बाद पता चला हो। लेकिन कोई एक साल बाद भी इतना स्ट्रांगली किसी के याद में कैसे हो सकता है कि वो अपनी मौत ही कर दे? खैर, इसकी मौत का कारण बताया जाता है कि लाइट यागमी ही एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसे मिसा प्यार करती थी और उसे पसंद करती थी। इसलिए जब लाइट यागमी की मौत होती है तब मिसा को कोई डेस्टिनेशन ही नहीं मिलता है कि आखिर वो क्या करे, और अगर वो कुछ रीजन से निकाल भी लेती जो कि शायद उसके पास नहीं था तब पर भी वो बहुत ही जल्दी मर जाती, क्योंकि उसने सिनिगामी की आंखों का डील दोबारा किया था जिसकी वजह से उसकी आधी बची हुई लाइफ और आधी हो गई थी और ये सब उसने कीरा के लिए ही किया था। इसलिए उसके पास कोई पर्पस नहीं था जीने के लिए कीरा के मरने के बाद। तो लाइट यागमी के प्रति मिसा का इतना ऑब्सेशन देखने के बाद यही कंक्लूजन आता है कि 14 फरवरी 2014 को मिसा अमाने ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। पता है, ये सुनकर हो सकता है आप लोगों से कुछ लोग को ये सही लग रहा हो कि ठीक है वो मर गई, उसका कोई ज्यादा काम नहीं था स्टोरी में। तो शायद आप भूल रहे हैं कि मिसा की वजह से ही एल और वातारी की मौत हुई थी, मतलब इसी की सिनिगामी ने ही उन्हें मारा था, और किसके लिए? सिर्फ मिसा की खुशी देखने के लिए। और अगर शायद एल और वातारी जिंदा होते तब यही लाइट को एक्सपोज कर देते, और शायद ये ना होती तो नियर और मेलो जो कि दो स्मार्टेस्ट डिटेक्टिव थे उनके बारे में भी हमें जानने को नहीं मिलता। बहुत लोगों को लगता है कि इस कैरेक्टर को इस कहानी में नहीं होना चाहिए या फिर कुछ फैंस इसे एक अनोइंग नजरिए से देखते हैं, बट क्लियर कट ट्रूथ तो यही है कि विदाउट मिसा डेथ नोट वुड फील इनकम्प्लीट इन सेवरल वेज। वैसे क्या आपको ये कैरेक्टर पसंद है या नहीं, कॉमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा।